हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गगन फैशन हब। आज की वीडियो में मैंने आपको डिज़ाइन वाली स्लीव विद बीट्स लगाना बताया है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मैंने स्लीव कटिंग करके रखी हुई है, तो इसको हम बीच में से कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसमें हम डिज़ाइन डालने वाले हैं, तो इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। अब जहाँ से हम एक इंच का मार्क करेंगे मोरी वाली साइड और शोल्डर वाली साइड भी हम एक इंच का मार्क करेंगे और कट लगा देंगे। अब हम जहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड ही हम सेम फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये स्लीव मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताई है, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जी हमने सिलाई कर ली है, दोनों पीस को सिलाई कर लिया है। अब इसके बीच में हम बीट्स लगाने वाले हैं, तो हम जहां एक एक इंच पर मार्क कर लेंगे, हम जहां 10 इंच तक मार्क कर लेंगे, एक एक इंच का मार्क करते जाएंगे, दोनों साइड सेम निशान करेंगे हम। ये मैंने 10 इंच तक मार्क किया है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। अगर आप इसमें कट ज़्यादा रखना चाहते हो तो ज़्यादा रख सकते हो, कम रखना है तो कम कर सकते हो। ये हम सामने से पकड़ते हुए इसमें बीट्स लगा देंगे। ये हमने बीड्स लगा लिए हैं, बाकी हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, वो हमारा कट आ जाएगा स्लीव में। अब जहाँ हम एक इंच पर निशान करेंगे
दोनों साइड सेम निशान करेंगे। ये हमारा मोरी वाली साइड है और दोनों को फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड हमारी सेम सिलाई होगी। जी हमने सिलाई कर ली है। अब हम जहाँ अपनी फिटिंग करेंगे तो हमारी मोरी है 5 इंच, 5 इंच पर मार्क करेंगे और हमारा आर्म होल है 8.5 इंच और जहाँ सिलाई कर देंगे हम। तो जी हमने सिलाई कर ली है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर रेडी हुई है। आप इसे हम पहनकर भी दिखाएंगे। तो जे मैंने बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वॉचिंग के लिए थैंक यू।